हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो देखकर तुम लोगों को अच्छा लगे तो तुम लोग इस वीडियो को लाइक और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा 20 के बहुत ज्यादा पास है, तो इसलिए जरूर तुम लोग कर लेना। और उसके साथ ही अगर तुम लोगों ने के पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम थे, तभी तुम लोगों को कुछ समझ में आ सकता है, तो इसलिए जरूर देख लेना। इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है उसी आइसलैंड से, जहाँ पर ग्लैन और ग्लैन के स्टूडेंट रिसर्च करने के लिए आए थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जंगल में, जहाँ पर ग्लैन और ग्लैन के स्टूडेंट कहीं पर पैदल जा रहे होते हैं। तो इधर ग्लैन के स्टूडेंट थे वो लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो री है वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, यानी कल वाला हादसे के कारण इधर री बहुत ज्यादा नाराज थी। वेल, जो भी हो, फीवेल और रूमिया है वो री का हाल देखकर वो लोग समझ नहीं पाते हैं री को क्या हुआ है, क्योंकि कल रात ही तो री बहुत ज्यादा अच्छा थी, लेकिन आज वो इतना ज्यादा अपसेट क्यों है। पहले इधर रूमिया और फीवेल इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसी बीच हमें दिखाया जाता है री को, पर री कुछ सोच रही होती है और वो नीचे नहीं देखती है, यानी री के आगे कुछ था जिसको री नोटिस नहीं करती है, और इसलिए री इधर गिर जाती है। और इसको देखकर रूमिया और फीवेल री के पास आ जाते हैं क्या हेल्प करने, री का हेल्प करने के लिए, लेकिन जो री होती है वो डायरेक्टली बोलती है हे तुम दोनों मुझसे दूर हो जाओ। इसको सुनकर जो फीवेल होती है और उसके साथ रूमिया होती है वो दोनों समझ नहीं पाते है री को क्या हो गया है। ऐसे में तुम लोगों को बता देता हूँ, जो री है वो ग्लैन को पसंद करती है लेकिन ग्लैन को पसंद नहीं करता है, और इसलिए इधर री सोचती है शायद से रूमिया और फीवेल ने ही मुझसे ग्लैन को छीन लिया है, और इसीलिए रूमिया और फीवेल से बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा, और इसीलिए ही री रूमिया और फीवेल से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है मुझे तुमसे नफरत है, और उसके बाद वो आगे चली जाती है। और इसको देखकर दोनों समझ नहीं पाते है री को क्या हुआ है। वेल, जो भी हो, वो दोनों आ जाते हैं ग्लैन के पास, जहाँ पर ग्लैन बोलता है मैं जानता हूँ री को क्या हुआ है, तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि मैं जानता हूँ री को क्या हुआ है, कल रात मैंने री को कुछ ना कहने वाली बात कह दी, इसलिए री आज इतना ज्यादा गुस्सा है, तो इसलिए लोग टेंशन मत लो क्योंकि री बहुत जल्द ठीक होने वाली है। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस डेस्टिनेशन में जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट आए थे। इस जगह में आके वो लोग पहले रेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो लोग उस जगह को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था। हाँ, वो जगह बहुत ज्यादा पुराना भी था, और उसके साथ ही उस जगह में बहुत सारे मंत्र भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा ही अलग किस्म के थे। तुम लोग बोल सकते हो काइंड ऑफ ए मैजिकल प्लेस, या फिर तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो कि ना मैजिक तो उस जगह के चारों तरफ है। खैर, इसके बाद हमें लिखा जाता है जो उस जगह का इंचार्ज होता है वो ग्लैन और ग्लैन के स्टूडेंट को लेकर एक जगह में ले आता है। वो जगह बहुत ज्यादा अनोखा होता है, और उसके साथ ही उस जगह में बहुत सारे फॉसिल होते हैं, और उसके साथ ही बहुत सारे कुछ अलग ही किस्म के चीज होता है जो कि अद्भुत होता है। वेल, इसके बाद हमें लिखा जाता है रूमिया और फीवेल को, जहाँ पर वो दोनों एक जगह में आके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये प्रोजेक्ट होता है द प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ रिवाइव, यानी किसी भी मरे हुए इसको इस प्रोजेक्ट से जिंदा किया जा सकता है। इधर वो दोनों इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों सोचते हैं अगर ये चीज किसी भी बुरे आदमी के पास आ गया, यानी कोई भी बुरा आदमी अगर ये प्रोजेक्ट यूज किया तो वो कुछ भी कर सकता है, यानी किसी को भी मार सकता है या फिर किसी को भी जिंदा कर सकता है, तो इसलिए खतरा ही खतरा है, तो अगर ये नहीं होता तो ही अच्छा होता। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उस जगह का इंचार्ज है वो इधर आ जाता है, और वाकई बोलता है तुम दोनों सही बातें कर रहे हो, लेकिन जो तुम लोगों ने बोला है तक इस मैजिक को किसी ने भी नहीं किया है वो गलत है, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और उसके साथ ही अगर कोई अच्छा मैजिशियन इधर आ गया तो वो इस मैजिक के ऊपर काम कर सकता है, कि ना अभी तक हम लोग भी इस मैजिक के ऊपर भी नहीं कर पाए है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर ग्लैन भी आ जाता है, और ग्लैन आके डायरेक्टली बोलने लगता है उस मैजिक के बारे में, और हाँ, इधर ग्लैन के पास भी बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है, और इसको सुनकर फीवेल थोड़ा नाराज हो जाती है और वो आके बोलती है हाँ आप जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन आप इधर क्यों तपके। इधर जो इंसार्स होता है वो बोलता है साथ ही में एक बात और बता देता हूँ, मैजिक से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, इसके लिए बहुत लोगों को मारना पड़ेगा, यानी बहुत सारे लोगों को मारकर ही इस मैजिक को पूरा किया जा सकता है। पर इस बात को सुनकर ग्लैन बोलता है लेकिन अब तक तो इसको कोई भी नहीं कर पाया है। इस बात को सुनकर इंसार्स बोलता है हाँ, लेकिन मैंने सुना है मैजिशियंस आके ये कर सकता है। जहाँ पर बात को सुनकर ग्लैन बोलता है लेकिन ये झूठ है क्योंकि मैं जानता हूँ इसको कोई भी नहीं कर सकता है। जहाँ पर इस बात को सुनकर इंसार्स बोलता है ऐसा मत बोलो क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, जहाँ पर जो फीवेल होती है मतलब रूमिया होती है वो थोड़ा अपसेट होती है ना जाने किसके बारे में सोचकर। खैर, ऐसे ही उन लोगों का टाइम बीत जाता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर जो रूमिया होती है वो किसी के बारे में सोचकर अपसेट होती है, और इसी बीच फीवेल आ जाती है, फीवेल आके बोलती है हे तुम किसके बारे में सोच रहे हो। जहाँ पर जो रूमिया होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है और सिर्फ रूमिया किसी को देख रही थी, और जो फीवेल होती है वो भी देखती है रूमिया किसकी ओर देख रही है, जहाँ पर रूमिया देख रही थी री की ओर, और जो री अकेली बैठी होती है
बिस्कुट देख कर रूम में अपसेट थी और उसके साथ फीवेल भी अपसेट हो जाती है, लेकिन इसके बाद फीवेल सोचती है ना जाने री को क्या हुआ है, ने हमें कुछ बताया भी नहीं तो इसे और इसलिए फीवेल डिसाइड करती है वो री के साथ बातें करेगी, ना जाने री को क्या हुआ है। और इसलिए फीवेल चली भी जाती है री के पास, लेकिन जो री होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो डायरेक्टली फीवेल को धक्का देकर वो बोलती है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बातें करने का मन नहीं है और इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। और उसके बाद री ही दूर हो जाती है, यानी री इधर से चली जाती है। वो देखकर जो ग्लेन है वो री के पास जाता है और जाके बोलता है री तुम्हें क्या हुआ है, टाइम से तुम बहुत ज्यादा अपसेट लग रही हो, प्लीज मुझे। और तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकती, जहाँ पर जो री होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और उसके बाद री इधर से भी चली जाती है और वो डायरेक्टली जाती है बीच के पास और उधर जाके वो रोती भी है, अपने पुराने कुछ यादों के बारे में सोचती है जहाँ पर री ने मजे किए थे रूमिया और फीवेल के साथ, और वो इधर रोती है कि री पसंद करती है उनको, लेकिन ग्लेन री को पसंद नहीं करता है और इसलिए इधर री बहुत ज्यादा अपसेट होती है। और इधर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो रूमिया और फीवेल होते हैं वो दोनों भी बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, ना जाने री कहीं पर चली गई, वैसे इधर रात भी हो चुका था तो इसलिए ग्लेन भी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। और इसलिए इधर फीवेल बोलती है मैं री को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, और इस बात को सुनकर ग्लेन बोलता है फीवेल तुम सिर्फ इंतजार करो क्योंकि री कहाँ जा सकती है इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो इसलिए तुम सिर्फ वेट करो। और उसके बाद ग्लेन इधर से चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है री की ओर, जहाँ पर री अकेले बैठी होती है जब री के पीछे से कोई बंदा आता है, वो बंदा आके बोलता है तो तुम रो रही हो री, तो री है वो उस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसके बाद वो बोलती है आप इधर कैसे आ सकते हो, यानी ये बंदा था री का भैया जो कि पहले मर चुका था, लेकिन इधर री का भैया फिर से इधर आ गया है ना जाने कैसे। के बारे में दिखाया जाता है जो एल्बर्ट है वो भी जंगल से सब देख रहा था, वो ये सब देखकर बोलता है तो इन लोगों ने अपना प्लानिंग स्टार्ट कर दिया है, यानी कुछ न कुछ एक बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। खैर जो भी हो एल्बर्ट है वो ये सब देख रहा होता है और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर वो मेड आ जाती है और वो आके बोल हे हम दोनों इस जंगल में अकेले है तो तुम मेरे मजे ले सकते हो, इसलिए अपना जो जानवर है इसे बाहर निकालो और मुझे चीर फाड़ दो। यहाँ पर एल्बर्ट बोलता है नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें इधर मारने के लिए आया हूँ। और उसके बाद एल्बर्ट नोटिस करता है उसके जो चारों ओर एक मैजिकल रिंग सा आ जाता है जो कि एक मैजिक था। इसको ही देखकर एल्बर्ट बोलता है मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हूँ, यानी इधर एल्बर्ट उस मैजिकल रिंग से बाहर नहीं आ सकता, यानी एल्बर्ट इधर फंस चुका है। वेल जो भी हो इसके बाद एल्बर्ट बोलता है इधर से भी तुमको हरा सकता हूँ। और उसके बाद ही जो वो लेडी होती है वो बोलती है भी चांस दे रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। जहाँ पर एल्बर्ट बोलता है इससे तो अच्छा है तुम मुझे मार ही डालो, जहाँ पर वो जो लेडी होती वो लेडी एल्बर्ट के ऊपर अटैक करती है और इधर एल्बर्ट भी मैजिक से उस लड़की के ऊपर तय करता है। इधर उन दोनों की पावर सेम लेवल का होता है तो इसलिए वो जो लड़की होती है वो बोलती है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम समझा। उसके बाद ही वो लड़की बोलती है वेल जो भी हो तुम अब मरने वाले हो कि ज्यादा टाइम मुझे इधर वेस्ट नहीं करना। और उसके बाद ही वो अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है जो कि था एक जॉम्बी मैजिक। वो लड़की अपने मैजिक से बहुत सारे जॉम्बी बाहर निकाल लेती है जो कि बहुत ज्यादा भयंकर और डेंजरस लग रहे थे, यानी एक ही बात है इधर वो सारे जॉम्बी आना चाहते हैं। और उसके बाद वो सारे एल्बर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भूखे नंगे भेड़ियों की तरह आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो सारे एक साथ आते हैं और उसको देखकर जो एल्बर्ट है वो सोचता है को हराना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन इधर एल्बर्ट को भी अटैक करना था तो इसलिए एल्बर्ट इधर अटैक कर देता है। और हाँ एल्बर्ट का पावर इधर भी बहुत ही ज्यादा होता है और इसलिए जो सारे जॉम्बी होते हैं वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। और हाँ फाइनली एल्बर्ट उन सारे जॉम्बियों को मार देता है। इसको देखकर वो लेडी बोलती है तो शायद से मैं बहुत ही ज्यादा ही अहम दिल की हूँ जो कि इतना ज्यादा कमजोर मैजिक में तुम्हारे ऊपर यूज किया, लेकिन तुम भी अच्छे हो, लेकिन अब मैं कठोर बन रही हूँ। और उसके बाद ही वो अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है और इधर एल्बर्ट भी रेडी हो जाता है मैजिक के लिए। वेल इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होटल में, जहाँ पर फीवेल बहुत ही ज्यादा ही टेंशन में थी री कहाँ पर होगी और री इधर क्या कर रही होगी। इसको देखकर जो रूमिया होती है वो बोलती है वेल ज्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा टीचर यानी ग्लेन गया है तो वो आ जाएगी, तुम भी रेडी हो जाओ। पर जो फीवेल होती है वो थोड़ा मोटिवेट हो जाती है और उसके बाद वो बोलती है ठीक है वो दोनों भी बहुत ज्यादा भूखे होंगे मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं उन दोनों के लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। जहाँ पर इस बात को सुनकर रूमिया बोलती है हाँ जल्दी जाओ। जहाँ पर जो रूमिया होती है मतलब फीवेल होती है पूरा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो मार्केट में चली जाती है। खैर इधर जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है की ओर, जहाँ पर जो री होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि री अपने ब्रदर से बात कर रही है जो कि ब्रदर बहुत पहले मर चुका था। इसलिए री बोलती है तो इधर आप कैसे आ सकते हो, आप तो बहुत पहले ही मर गए थे। जहाँ पर री का ब्रदर बोलता है मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और उन्हीं लोगों ने मुझे जिंदा किया है फिर से, 2 साल पहले तुम उनसे आजाद हो गई थी लेकिन मैं अब भी उनका नौकर हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा किया है।
वो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान में आगे बढ़ने के लिए मेरा यूज कर रही है, जो कि मुझे करना ही होगा और इसलिए मैं उन लोगों का नौकर हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ आ जाओ और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करो, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह आजाद हो जाऊँ। हमारे इस प्लान के बीच में जो ग्लेन है वो बीच में आ रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी मेरा हेल्प करो कि जो उन लोगों का प्लान है वो पूरा हो जाए और मुझे एक मिलाई, यानी उन लोगों ने मुझे बोला है अगर ये प्लान पूरा हो जाए तो वो लोग मुझे भी आजाद कर देंगे। क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगी? क्योंकि 2 साल पहले हम दोनों बिछड़ गए थे, लेकिन अब मुझे एक मौका मिला है तुम्हारे साथ रहने के लिए। मेरे बहन, क्या तुम मेरा हेल्प नहीं करोगी? श्री, मेरी हेल्प करो। जहाँ पर जो री होती है वो सोचने ही बात ही है री किसके साइड लेगी, क्योंकि वो जानती थी वो ऑर्गेनाइजेशन इतना तो अच्छा नहीं था, इसलिए वो सोचती है वो किसकी साइड लेगी, वो ग्लेन की साइड लेगी या फिर अपने ब्रदर का। और जो री होती है वो सोचती है वो ग्लेन की साइड ही लेगी, और इसलिए वो थोड़ा दूर जाती है। लेकिन इसके बाद ही मेरी आ जाता है जो ग्लेन है वो दौड़ की तरह आ जाता है और वो आके डायरेक्टली री को पीछे ले आता है, यानी अपने पीछे ले आता है और वो बोलता है, हे जादूगर, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ, तू री को यूज करना चाहता है ना। पर जो दूसरा वाला बंदा होता है, यानी री का ब्रदर होता है, उसके फुट के चार हो जाता है। सोचता है अब उसका तो टाइम लगने वाला है। उधर ग्लेन होता है, वो बोलता है तू अब जल्द ही मेरे हाथों से पिटने वाला है। लेकिन इसके बारे में नहीं किया जाता है जो वो बंदा होता है वो एक भयंकर सा स्माइल देता है, और उसके बारे में नहीं किया जाता है जो पीछे भी होती है वो भी अपने आंखों से कुछ इशारा करती है, और उसके बारे में नहीं किया जाता है सोरी है वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है, वो डायरेक्टली ग्लेन के ऊपर तय कर देती है, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड से ग्लेन के आर पार कर देती है। इसको देखकर जो ग्लेन होता है वो एक वक्त के लिए सुन हो जाता है, और उसके बाद वो सोचता है ये री ने क्या कर दिया, यानी री ने ग्लेन को धोखा दे दिया और उसके साथ ग्लेन को मार भी दिया। और इसलिए जो ग्लेन होता है वो बोलता है री तुमने ये क्या किया, और इसके बाद ही जो ग्लेन है वो नीचे गिर जाता है, यानी ग्लेन इधर मर जाता है। और इसको देखकर जो री है वो बोलती है तुमने भी मुझे ना इनकार ही किया था, यानी तुमने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, अब मुझे अपना ब्रदर मिल रहा है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी। के बाद ही फिर से सीन शिफ्ट होता है और मेरी ही आ जाता है जंगल में, पर एल्बर्ट जान लेता है उन लोगों को एक बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है, और वो बोलता है उन्होंने अपना काम कर दिया। और उसके बाद ही जो एल्बर्ट है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद ही मेरी ख्याल चलता है जो वो मेड होती है या फिर लेडी होती है वो बोलती है देख लेना जब भी देखना है, और उसके बाद ही वो लेडी इधर से चली जाती है। और उसके बाद जो एल्बर्ट है वो अपने मैजिकल आई से देखता है री कहाँ पर जा रही है, क्योंकि एल्बर्ट जान रही था ऐसा कुछ होने वाला है, री बहुत ज्यादा भयंकर लड़की है। इसके बाद सीना चाहता है फीवेल के ऊपर जाओ, और फीवेल बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो सोचती है वो कुछ खाना लेकर आई है, और इसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। लेकिन इसके बाद वो जब अपना जो होटल का डोर है वो ओपन करती है, उसकी आँख खुले की खुली रह जाती है, क्योंकि वो आगे देखती है जो रूमिया है वो नीचे गिरी पड़ी है, और उसके साथ ही री है वो आगे है, और री के हाथ में एक स्वॉर्ड है, और उसके साथ ही चारों तरफ इधर खून ही खून है। और इसको देखकर फीवेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन थोड़ा दिन बाद ही वो अपना होश में होश लाती है, और उसके बाद ही वो बोलती है री तुमने ये क्या किया। तुमने रूमिया को जहाँ पर इस बात को सुनकर री बोलती है नहीं ये सिर्फ बेहोश है। जब इस बात को सुनकर फीवेल फिर से बोलती है तो टीचर कहाँ है, तो तुम्हें लाने के लिए गई थी। और इस बात को सुनकर री बोलती है ग्लेन मैंने उसे मार दिया। इस बात को सुनकर जो फीवेल होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, और उसके बाद वो ग्लेन के बारे में सोचती है और वो रो देती है और बोलती है तुमने क्यों मारा। इसे मैं जानता हूँ इधर तुम लोग सोच रहे हो री कैसे त्रस्त कर सकती है री के ऊपर, मतलब फीवेल कैसे त्रस्त कर सकती है री के ऊपर। लेकिन इधर जो फीवेल है वो नोटिस करती है री के ऊपर बहुत सारा खून है, और इसको देखकर फीवेल श्योर हो जाती है ग्लेन है उसको री ने मार डाला। जो इधर री है वो बोलती है वैसे मैं अब रिसर्च ऑफ विजडम की मेंबर हूँ, और इस हिसाब से मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, यानी मुझे मार सकते हो। यहाँ पर जो फीवेल होती है वो रेडी हो जाती है, क्योंकि री ने फीवेल का जो लाइफ है उसे उजाड़ डाला था, यानी अब वो रूमा को भी ले जाने वाली इधर से, और उसके साथ ही उसने ग्लेन को भी मार डाला, तो इसलिए फीवेल अटैक के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद ही इधर फीवेल के जो दिमाग है उसमें बहुत सारे सीन आ जाते हैं ग्लेन के या फिर रूमिया के या फिर री के ही, और इधर बहुत सारे सीन आ जाते हैं, और इसीलिए ही जो फीवेल है वो इधर अटैक नहीं कर पाती है, और वो अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाती है लेकिन अटैक नहीं कर पाती है। और ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पर भी नहीं किया जाता है जो है वो बोलती है टाइम अब हो गया है, तो इसलिए मैं अब रूमिया को इधर से ले जा रही हूँ। और इसके बाद री रूमिया को उठाकर इधर से ले जाती है, जहाँ पर इसके बाद ही जो फीवेल होती है वो अपने आप को ही पूछती है और वो बोलती है मैंने क्यों री को नहीं मारा, क्योंकि मेरे पास एक मौका था। और इससे रूमिया भी बच जाती है, और उसके साथ ही जो मेरा बदला है जो वो ग्लेन को मार दिया था तो इसका बदला भी पूरा हो जाता, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो हौसला है वो बहुत ज्यादा लो हो गया था, और उसके साथ ही
मैं कैसे अटैक कर सकती हूँ री के ऊपर। और इसे ही सोचकर वो अपने आप को ही दोष देती है और बोलती है, मैं रूमिया को बचा सकती थी लेकिन ये सब मेरा ही गलती है। और वो इधर रोने लगती है और उसके बारे में भी किया जाता है। इधर कहीं से एल्बर्ट आ जाता है ग्लेन का बॉडी लेकर, जहाँ पर फिवेल सोचती है शायद से ये भी मुझे मारने के लिए आया है। लेकिन एल्बर्ट इधर ग्लेन के बॉडी को फिर से जिंदा करने के लिए आया था। जहाँ पर फिवेल सोचती है ग्लेन तो मर चुका है, जहाँ पर एल्बर्ट बोलता है, हाँ वैसे तो वो मर गया है लेकिन जो उसका नस है वो भी काम कर रहा है, तो इसीलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। और इसको ही सुनकर जो फिवेल होती है वो रोने लगती है और बोलती है, ना जाने ये सब क्या क्या हो रहा है मुझसे, मैं नहीं जानती हूँ क्या क्या हुआ था ऐसा। वो इधर जोर जोर से रोने लगती है जब एल्बर्ट बोलता है, जोर जोर से रोने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम ग्लेन को मरने दोगी तो तुम अब भी रो सकती हो, जोर जोर से रो सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम ग्लेन को बचाना चाहती हो तो मैं जो बोलता हूँ वो करो। जहाँ पर जो फ्यूल होती है वो मान लेती है, हाँ वो करेगी। और उसके बाद ही वो दोनों ग्लेन के पास चले जाते हैं, जहाँ पर जो एल्बर्ट है वो पहले देखता है ग्लेन का बॉडी, ग्लेन जिंदा है या फिर नहीं, यानी अगर ग्लेन पूरी तरह से मर गया है तो एल्बर्ट भी इधर कुछ नहीं कर सकता है। और इसके बाद इधर एल्बर्ट चेक करता है, लेकिन जो ग्लेन है उसका बॉडी अब भी काम कर रहा था, यानी ग्लेन का जो नशे है वो काम कर रहा था। ग्लेन के बॉडी में आत्मा तो नहीं था लेकिन काम कर रहा था उसके नशे। और इसको देखकर और जानकर एल्बर्ट डिसाइड करता है वो एक मैजिक करेगा, जहां पर एल्बर्ट अपना उंगली काट कर एक मैजिक का यूज करता है। और उसके बाद वो बोलता है, फिवेल तुम भी अपना काम कर दो। जहां पर जो फिवेल है वो पहले सोचती है वो कैसे करेगी, लेकिन इसके बाद ही वो अपना मुंह ग्लेन के मुंह के पास ले जाती है और उसके बाद एक किस करती है। और इधर एक बहुत ही भयंकर सा उपरा आता है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर दूसरे दरबार में लिखी आ जाता है जो मिया होती है वो एक जगह में बंधी हुई होती है, और उसके पास ही री का ब्रदर है वो इधर आ जाता है और बोलता है, तुम अब मरने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। री भी आ जाती है और री को देखकर रूमिया बोलती है, री ये सब तुम क्यों कर रही हो, और उसके साथ ही मैंने सुना है तुमने हमारे टीचर को मार डाला, तो फेक है ना, ये सब अफवाह है ना। जहाँ पर जोरी होती है वो बोलती है, सॉरी लेकिन हाँ मैंने ग्लेन को मार डाला। और इसको सुनकर जो रूमिया होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और ऐसे ही एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। मेरा जो तबीयत है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि तुम लोग भी नोटिस ही कर लिए होंगे, लेकिन मुझे ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ इस अभी तक के एपिसोड में से ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। और उसके साथ ही अगर इसके बाद वाला एपिसोड चाहिए तो या तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना, और उसके साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 20K अगर नहीं होगा तो इससे पहले मैं नहीं लाने वाला, क्योंकि मेरा तबीयत भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर से बता देता हूँ 20K के बहुत ज़्यादा पास है, तो इसलिए जरूर कर लेना अब तक नहीं किए हो तो। और मुझे बताओ एपिसोड कैसा लगा एंड बाय। ठीक है, मुझे भी रेस लेने जाना है, तो इसलिए बाय।